शरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं Come on, Yalli! Come on! योगा कराटे कसरत सब हो गया। राजनीति में कब क्या हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए खुद को तंदुरुस्त रखना चाहिए और दिमाग को भी तेज रखना चाहिए। आपका क्या है एमपी जी, आपका पसीना भी तो सोना है। हमारे यहाँ कोई आए तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना राजनीति में नाम रोशन करना चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, यही हमारे देश की परंपरा। अरे इसीलिए तो आपने अपने बेटे का नाम चक्रवर्ती रखा है। शायद उसकी परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैंने हमेशा चाहा उसका ध्यान अपने देश पे हो, हमेशा उसका ध्यान कहीं और ही होता है और मैं हमेशा योगा कसरत करते रहता हूं। डैडी, आपका बेटा आ गया। आओ बेटा। हाय मॉम। डैडी, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं अभी 5 मिनट में शादी करने वाला हूँ। 5 मिनट में शादी करने वाला? 5 मिनट में? अरे 5 मिनट में लड़की कहाँ से लाओगे? हाँ। बेटा वो काम वाली है। काम वाली थी। लो अब मैं शादी करूँगा तो ये इस घर की मालकिन हो जाएगी। मैं रत्ना से शादी करूँगा। वो मुझसे 10 साल बड़ी है। सीता भी तो राम से 6 साल बड़ी थी। उसकी शादी हो गई और उसका पति भी मर गया। इसीलिए तो इस पे दया करके मैं इससे शादी कर रहा हूँ। सर अगर दया आ रही है तो इनका पगार, अगर पगार बढ़ाया तो पैसा खर्च होगा, इसीलिए मैं इसकी जिंदगी बचा रहा हूँ। देखिए 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 देखिए, मेरी आंखों में खून के आंसू बह रहे हैं। 18 साल से ये हमारे यहाँ काम कर रही है। ऐसी काम करने वाली हमें और कहाँ मिलेगी। इसीलिए मैं इस औरत से शादी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे इमोशन समझेंगे। ठीक है, तू सही बोल रहा है बेटा। थैंक यू डैड। तू एमपी प्रदीप का बेटा है, तेरी शादी धूमधाम से होगी। यू आर राइट डैड। देखो बेटा, तुम 2 दिन रुक जाओ, मैं सब बंदोबस्त करता हूँ। रत्ना डार्लिंग, जरा मेरे कपड़े प्रेस करना। आई लव यू डैड, आई लव यू, आई लव यू टू मॉम, बाय। आई लव यू टू। आपने अपने शरीर को चाहे जितने कष्ट दिए तो भी आपका बेटा कुछ ऐसी बात करता है कि आप डर जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हम जल्दी उसकी शादी कर देंगे। न जाने उसे कब कौन सी लड़की पसंद आ जाती, किसी को नहीं मालूम। उसको संभाल सके ऐसी लड़की कहां से लाऊं मैं। इस तरह की समस्याओं को सेटल करने के लिए शहर में कई मैरिज ब्यूरो हैं। उनमें से एक मैरिज ब्यूरो सेटल करके उनपे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो लोग सब कुछ खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तुम सब देख लेना। नमस्कार सर, मेरा नाम बंसी है, कल्याण कम्युनिकेशन मैरिज ब्यूरो हमारा है। इसके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। मैं हूँ शिवाजी, ये कंपनी का मैनेजर है। ये हमें हुक्म देता मैं करता रहता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? और मेरा नाम मल्ली है, मेरा कैटरिंग है यहाँ। हमारे भाई का खाना एकदम टेस्टी, बंसी के खाना टेस्ट करने के बाद ही आगे खाना जाता है। मेरा नाम पंतू है, इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे सब करंट कहते हैं। करंट है तो पानी है, पानी है तो करंट है। मेरा नाम कुछ भी हो, मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ, सब लोग मुझे वीडियो वाला कहते हैं। मैं तिरुपति हूँ, मैं स्टिल फोटोग्राफर हूँ, मैं फोटो सबकी परफेक्ट लेता हूँ। मेरा नाम हनुमंत है। मेरा नाम सुदर्शन है। तुमने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिसर नहीं हो। हम दोनों पुजारी हैं। फूलों से लेकर पूरे डेकोरेशन का काम ये लोग देखते हैं। यस, हम 4 ब्यूटीशियंस हैं और दुल्हन को सजाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। हो गया आपका इंट्रोडक्शन, मैं रिश्ते की बात करने आया था, अब सीधे सीधे बातों पर आ जाते हैं। हाँ, बैठिए। बोलिए मास्टर जी, आप क्या करते हैं? मास्टर जी बोला, आप नाम क्या बताऊं? मैं रिटायर्ड मैथ टीचर। वैसा मास्टर नहीं हूँ, छोटे बच्चे मैथ सीखते नहीं हैं और बड़े बिना दहेज शादी करते नहीं, वैसा ही साहब है।
ये मेरी लड़की की फोटो और पत्रिका। पत्रिका को भूलिए सर, आप हमारे मैरिज ब्यूरो में आ गए ना, आपकी बेटी की पत्रिका हम बदल देंगे। आपकी बेटी का नाम क्या है? गणिता, गणिता कहकर पुकार। ओ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रखा है। जिंदगी में लोगों को गिनती पढ़ाई है, इसलिए ऐसा नाम रखा है। नाम अच्छा है। आपका बजट? दहेज और गहने मिला के पूरे 5 लाख रुपए। ओहो शिवा, 5 लाख बजट की लिस्ट तैयार करो। ठीक है, चलो चलो। ये लीजिए, शादी की सारी रस्मों से लेकर बारातियों के स्वागत और खाना पीने तक का सारा बजट, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये सब कीमत ठीक है ना? दहेज सिर्फ 2 लाख, कौन लड़का तैयार होगा? आएगा ना, हम लोग लेकर आएंगे ना। बीच में खर्चा बढ़ गया तो? खर्च बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, हम सब लोग ठीक से मैनेज कर लेते आपने हैं। आपने तो देख लिया ना हमारी टीम को, हमारी कैलकुलेशन सही है। शादी से लेकर कन्यादान तक की सारी जिम्मेदारियां हमारी होती है, आप बेफिक्र रहिए। तो हम सब लोग क्या करेंगे? अच्छा डालो, खाना खाओ और आराम से सो जाओ। इतनी अच्छी बात कही आप लोगों ने, आप सब लोग मेरे लिए पांडवों के जैसे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है सर, कल आप देखना कैसे सीता और राम की जोड़ी बनाते हैं हम। ये लीजिए, पूरा खर्च होने के बाद बाकी बचे हुए पैसे। ये क्या बाबू, इतनी आलीशान शादी होने के बाद भी ये पैसे? ऐसे ही होना चाहिए, दिखने में एकदम आलीशान। इसे कहते सस्ता सुंदर टिकाऊ। मैं सोच रहा था कि इतने में दोनों लड़कियों की शादी कैसे होगी, पर अब सोच रहा हूँ कि दूसरी की शादी भी जल्दी से जल्दी कर दो। शीघ्र ही आपकी दूसरी लड़की का कल्याण हो। ठीक है, हम लोग आते हैं। बाय बाय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सर। नमस्कार, नमस्कार। मैं आया हेल्प यू। तुम्हारे अकेले की हेल्प नहीं, मुझे तुम सब लोगों की हेल्प चाहिए। परसों मैंने राम बाबू के लड़के की शादी देखा, क्या शादी मतलब थी मौज जैसी। अरे तुम भी कमाल की बात करते हो, बहुत अच्छी शादी हुई थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए ना, वहाँ बैठ के बात करते हैं। आइए। शादी आपके लड़के की करनी है लड़की की? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। आप बहुत ही लकी हैं। अभी एक आंटी का रिश्ता आया है, उसका पति मर गया, उसको 1 साल के अंदर शादी करनी है। कैसे मर गया? मैं बताता हूँ आपको, अंकल ने आंटी को उस दिन नई कार ला के दी थी ना, तो किसी को ढूंढ रहे थे आगे से जाने के लिए। अंकल बोले और कोई क्यों, मैं हूँ ना, मैं खुद ही जाता हूँ, तब से आंटी अकेली है। बोलो तो आपकी बात चलाता हूँ। नहीं नहीं, देखो भाई, मुझे कोई आंटी वांटी नहीं चाहिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, अपने एमपी प्रदीप जी के बेटे के लिए आया हूँ। ये लीजिए उसका फोटो, इसका नाम चक्रवर्ती है, बहुत सुंदर लड़का है, सोने जैसा लड़का है। हाँ, देख कर ही पता चल रहा है। दहेज के बारे में आपका क्या विचार है? दहेज? दहेज के बारे में बोलो तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, संस्कारी लड़का है। हाँ, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। लड़की की माँ तो जैसे बिल्कुल सती सावित्री, सिर्फ पति के पीछे घूमती है या तुलसी के आजू बाजू। ओ, इसका मतलब आपको संस्कारी लड़की चाहिए। वो क्या है, लड़के के पिता को फैमिली बैकग्राउंड अच्छी चाहिए। इसका मतलब अच्छे खानदान की होनी चाहिए। हाँ। यानी सारे गुण उस लड़की में होने चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात और है, अगर लड़के को लड़की पसंद आई तो उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि लड़का इतना पैसे वाला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, पता तो चले। एमपी के लड़के की शादी है, अगर ये बात सबको पता चली तो पार्लियामेंट में बात फैल जाएगी, उसका असर इलेक्शन में होगा। अच्छा, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, आपको जैसी लड़की चाहिए वैसी मिली तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, क्या चाहिए मैडम? यहाँ आई तो ऐसे लगता है जैसे सब खरीदूं। लेटेस्ट मॉडल का वायलिन है आपके पास? आइए बताता हूँ।
वायलिन की आवाज कितनी अच्छी है ना। आपने वायलिन बहुत ही अच्छा बजाया मैडम। थैंक यू, पैक कर दो। ओके मैडम। ए स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना है। गेट इन। थैंक यू। कौन से हॉस्पिटल ले जाना है? कोई भी जो हॉस्पिटल नजदीक हो वहीं। कौन है ये? आपका भाई है क्या? नहीं। क्या फ्रेंड है क्या? नहीं, मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम। नाम भी नहीं मालूम? प्यून सर्विस क्या? एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, मैंने ही मारा इसे। आपने मारा? लेकिन क्यों? हाँ जी, मैंने ही मारा। किस लिए? इडियट, मुझे धक्का क्यों मारा? सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं। आंख होकर नहीं देख सकते? और झूठ बोल रहे हो, तुम जैसे को तो चप्पल से मारना चाहिए, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। प्लीज सिस्टर, प्लीज सिस्टर, इतने लोगों के बीच मुझे मत मारिए, प्लीज समझिए। छोड़ दीजिए मैडम, वो सॉरी तो बोल रहा है ना, सिस्टर भी बोल रहा है ना, आप छोड़ दीजिए। थैंक्स सर। थैंक्स मुझे नहीं, बोलना है तो सिस्टर को सॉरी बोलो। सॉरी सिस्टर। लेकिन उसने सॉरी तो बोल दिया था ना, फिर क्यों मारा? गलती उसकी नहीं, मेरी थी। इसे छोड़कर मैंने गलती कर दी थी, मुझे बाद में पता चला। असल में क्या हुआ था? गलती से नहीं, मैंने जानबूझकर किया था। इसे मिला करके 49 हो गए, एक और आ जाए तो हाफ सेंचुरी। देखो मेरी हाफ सेंचुरी आ रही है, तुम लोग देखते जाओ बस। ऐसे क्या दिखता है? बीच में आ रहा तू? क्या समझता है? ए, कौन है वे तू हमारे आदमी के साथ पंगा ले रहा है? सिस्टर बोल के चिट करता है, इसे मारना ही नहीं, इसकी तो जान ले लेनी चाहिए थी। क्या तुम उसे यहाँ पे मारने वाले हो? अगर मारना होता तो इसे वहीं पे मार देता और शमशान में लेके जाता, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं ना, गुस्सा भी आता है और दया भी आती है। बहुत खून बह रहा है इस बेशर्म का। जरा गाड़ी रोको, हॉस्पिटल आ गया। आदमी बड़ा अजीब सा है। नाइस पर्सन। ओह ओके, लेट्स गो। मिस्टर बंसी, तुमने किसी को मारा? हाँ तो? हॉस्पिटल में एडमिट करके बिल भी भर दिया? हाँ तो? देन यू आर अंडर अरेस्ट। मारा इसलिए? नहीं, बिल भरा इसलिए। अच्छा, एक दिया ना रख के? नहीं तो क्या, ऐसे लोगों का हाथ पैर तोड़कर जेल में डाल देते, बाद में जो होता मैं देख लेता। सुनो, इधर आओ दोनों,
तुम दोनों सिर्फ दूसरों की शादी कराओगे कि अपने बारे में भी सोचोगे? माँ, छोटा होकर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बड़ों की शादी होती है, उसके बाद छोटों की शादी होती है, इसलिए मैंने नहीं सोचा। अरे मुझे ज्यादा मत उकसाओ, वरना कल ही मैं शादी करूंगा। ठीक है, मैं परसों कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कपड़े बदल के जल्दी नीचे आओ। दो मिनट मुझे दो ना माँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर राजेंद्र। ओ नमस्ते, बैठिए ना। थैंक यू। ये लो, ये सब लेके अंदर जाओ। ओके। स्वाति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरा है। अच्छा नमस्ते डॉक्टर साहब। आजकल मेरे पेट में आग जैसी जलन होती है। गैस? नहीं मैं सही कह रहा हूँ। आई से इट इज गैस प्रॉब्लम, नॉट गैस। गैस डॉक्टर साहब, मुझे भी कमर में दर्द रहता है। सेम गैस डॉक्टर। यहाँ पर नहीं, हॉस्पिटल में आना। सॉरी सर, हम लोगों को डॉक्टर दिखाने की बीमारी याद आती है। नेचुरल है। मेरी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना, मैं तुम्हारी बीमारी ढूंढ लूंगा, आई मीन दूर कर दूंगा। ओ डॉक्टर साहब अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। बहुत अच्छी लड़की है। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस सर। नेगेटिव देख के फोटो का, फोटो देख के इंसान का, और इंसान को देख के उसके मन का पता चल जाता है। ऐसे ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। लड़का मेरी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, संस्कार मेरे मुताबिक होना चाहिए, पसंद मेरी बेटी के मुताबिक, कुल मिला के अच्छा खानदान चाहिए। श्योर सर। शिवा, इनको लड़कों के फोटो दिखाओ। ओके, ये देखिए, ये है मथुरा का माधव राव। इसकी वहाँ पर दो शुगर फैक्ट्रीज हैं। शुगर फैक्ट्री, इसका मतलब ये डायबिटीज का पेशेंट होगा। नहीं, नेक्स्ट। ये केशव राव, हैदराबाद में इसके 5-स्टार होटल हैं। ये आदमी तो बहुत ही काला है। इसके पास ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट। ये है चक्रवर्ती, ये MP प्रदीप का बेटा है ना। सर आपकी आंखें तो एकदम एक्सरे जैसी हैं। सॉरी सर, इन्होंने कहा है कि इनकी बातों को सीक्रेट रखें। अच्छा ठीक है, ये सीक्रेट है ना, लड़का मुझे पसंद आया। और नहीं तो क्या, पत्नी के सामने और डॉक्टर के सामने कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। ओके सर, लड़की का फोटो लड़के के पास भेज देते हैं, अगर लड़के को पसंद आए तो लड़के का फोटो आपके पास भेज देंगे। डोंट वरी, अगर लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा। ओके थैंक यू, बाय बाय सर। बाय। ये क्या बात हुई भाई, रिश्ते जोड़ने में भी ऑपरेशन की बात करते हो? ये डॉक्टर ऑपरेशन करते करते पैदा हुआ है, इसीलिए ऑपरेशन की बात करता है। उधर रख दे। ऐसे क्यों घूर रहा है? ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। डैड, ये लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल कर रहा है कि इससे मैं अभी शादी कर लूं, अभी शादी कर लूं। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ये सब सपने जैसा लग रहा है ना, इसकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। बेटा तुम्हें पसंद आ गई तो हमें और क्या चाहिए। फिक्स कर डालो। हेलो, बोलिए। हमें लड़की पसंद है। 50% तो ओके हो गया, और 50% ओके होना चाहिए। क्यों? लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए ना। सुनो, कुछ भी करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, मगर बात बननी चाहिए। मेरे हाथ में क्या है? देखिए, ये कोई साड़ी नहीं है जो पहनी और पसंद नहीं आई तो उतार दी, ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पता है, मगर हमारी इच्छा तो नहीं बदलेगी ना। ओके ओके, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। जल्दी से हमारे लड़के का फोटो लड़की के पास भेज दो, वो भी देख ले। ठीक है। अरे गणेश, ये कवर ले जाकर डॉक्टर साहब को दे दो। ठीक है। ला 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 ला। ए वीडियो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या? अरे मुझे क्या, तुम भाड़ में जाओ, लेकिन जाकर वापस कब आओगे ये बताओ। जल्दी ही आऊंगा, ये लिफाफा डॉक्टर राजेंद्र के पास देने के लिए भैया ने कहा है। तो एक काम करना, स्वाति अखबार में ये एनवेलप दे देना आते समय। भैया क्या है इस लिफाफे में? अच्छा शगुन समझ के तुमको दे रहा हूँ।
क्या है इसमें? अगले महीने स्वाति अखबार में अपने मैरिज ब्यूरो का आर्टिकल छपने वाला है। इसके लिए स्वाति अखबार के एमडी ने उस आर्टिकल के साथ बंसी की फोटो छापने के लिए मंगवाई। अरे भैया इसमें मेरा भी फोटो डाल दो। अरे अरे लेट हो गया। उसमें मरने वालों का कॉलम भी आता है, उसमें डाल देते। चल अपना काम कर जा। हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं छपवाने वाला। भैया कल्याण मैरिज ब्यूरो यही है क्या? आप कौन? मैं स्वाति न्यूज़पेपर से आया। वाह वाह वाह, कितना अच्छा हुआ तुम यहीं पर आ गए, नहीं तो मुझे वहां पे आना पड़ता। ये लो ये लिफाफा तुम्हारे एमडी को देना, समझ गए ना? थैंक यू बाय। कितना अच्छा हुआ बाहर आते ही एक काम हो गया, लेकिन अभी इसके लिए मुझे डॉक्टर राजेंद्र के पास जाना पड़ेगा। अच्छा होता वो भी यहाँ पे आते। अगर सब लोग ऑफिस में ही आते रहेंगे तो फिर तेरा क्या काम है? जब देखो तब धौंस जमाते रहता है, क्या पता ये कब मरेगा। हाय बेबी, may I come in? ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, और क्या पूछ रहे हैं? नो, फैमिली प्रॉब्लम। ये कहती है तुम्हारी उम्र डल रही है और हमारी उम्र हो गई। क्या तुम भी इतनी अच्छी बात रोते हुए बता रहे हो, जरा हंसते हुए कहो ना। ओके ठीक है। हाँ। ठीक है तुम्हारे लिए लड़का देखा है, इसमें फोटो है, देख लो। आपने देखा ना? नहीं, तुम ही देखो। क्यों, इतना खराब है क्या? फोटो अच्छा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे देखते ना देखने से क्या फर्क पड़ता है। तुम इस फोटो को इत्मीनान से देख लो, सोच विचार कर लो, अगर ये तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे बहुत खुशी होगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, आफ्टर ऑल इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। सुनिए तो, अरे तुम ऐसे ही बात करती रहोगे तो वो सोचेगी कब, उसे मौका दो सोचने का। ओके, तुम फोटो देख करके फैसला सुनाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर क्यों, यहीं पर खड़े रहिए ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, तुम ही देखो। चलो प्लीज कम। चलो चलो तुम यहाँ। अगर अपनी बेटी की शादी हो गई तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अरे पहले ही अपने पास सब कुछ है, वो संभालने हो नहीं रहा, आपको और चाहिए प्रॉपर्टी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है स्टेटस बढ़ जाएगा, फिर मैं कॉमन आदमी नहीं रहूंगा। आपने देखा है उसे? मैंने ही नहीं, तुमने भी देखा है उसे? मैंने देखा है, कब? लास्ट मंथ होम मिनिस्टर की दूसरी बीवी के लड़के की शादी में गए थे ना। हाँ गए थे। वहाँ पे एमपी प्रदीप, उसकी बीवी और उसका लड़का आया था ना, जिसने तुम्हें माँ समझ के तुम्हारे कंधों पे हाथ रखा था। हाँ। वो पागल, वो तो पूरा पागल है। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे ही पागल लगते हैं। हाँ सही है, कभी कभी मुझे आपको देखकर भी ऐसे ही लगता है। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा तो आपने उसे झूठ क्यों कहा कि आपने उसे देखा नहीं है? ये यूथ साइकोलॉजी है, इसलिए नहीं बताया। अगर हमने उसे बताया होता कि लड़का पसंद है तो वो पसंद नहीं करती, ये हाँ बुलाने की तरकीब है। अच्छी तरकीब है। डैडी से यस आर नो? यस डैडी। यस, देख लिया ना, ये मेरी बेटी है। गुड 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 गुड। हेलो, क्या लड़कियों की तरह तैयार होने में टाइम लगा रहा है? प्रकाश बंसे। माँ जी ये तो हमारी सुन नहीं रहा, आप ही बुलाइए ना उसको प्लीज। बेटो जल्दी नीचे आओ। दोनों कैसे स्कूल के बच्चों जैसे प्यारे लग रहे हैं। हाय, केक पिघलने से पहले काट लो। केक काटे क्या? जन्मदिन है, इसके लिए तुम दोनों को कांग्रेट्स। थैंक यू। तुम दोनों ऐसे ही खुशहाल रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। क्या मतलब? थैंक यू। ये दोनों ऐसे बिन शादी के रहे? ऐसे नहीं, साल में एक बार ऐसे ही शादी करके खुश रहो। क्या बोला? मेरा मतलब ये नहीं था, एक साल में इसकी और दूसरे साल में इसकी, मतलब बड़ा है पहले शादी इसकी। ये बड़ा है ना, इस साल इसके शादी के बारे में सोचेंगे। पहले मेरी शादी क्यों माँ, बहन की शादी करो। नहीं भैया, पहले छोटे भैया के बारे में सोचो। मेरी नहीं, पहले इसकी। भैया की नहीं इसकी, इसकी नहीं भैया की, दोनों में से किसी की शादी नहीं होगी। ये क्यों नहीं मानेंगे, ये साल में 50 शादियां करवाता है पर खुद नहीं करेगा। सही कहा माँ तुमने। सही, क्या सही कहा? तुम जाते हो तो हफ्ते हफ्ते भर तक घर नहीं आते और बिल्कुल, और एक फोन भी नहीं करते हो तुम। ये बात सही है। माँ जी ये हाँ बोले या ना बोले, एक महीने के अंदर हम इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। बात ध्यान में रखना। चलो चलो खाना खाते, चलो 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 चलो। इसका फेस बहुत अच्छा है, ये नई आइटम कौन आइटम बोलता है? ये मेरी होने वाली बीवी है। सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। फोटो में ऐसी लग रही है तो असल में कितनी सुंदर होगी। सही कह रहे, कितनी किस्मत वाला है, 100 साल जिएगी वो। क्या कह रहा है?
अरे अरे वो देखो शॉपिंग करने आई है। कहाँ? स्वाति। अरे यार हमारा इंट्रो तो करा के देगा ना। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ फिर तुम सबको मिलवाऊंगा। चलो चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। और एक वायलिन चाहिए क्या? वायलिन नहीं, वायलिन स्ट्रिंग्स चाहिए। वन सेकंड मैम। ओके। वाव। हाय। सर कैसा बजाया मैंने? जब मेरे दादाजी मरे थे ना तब उनकी आरती के सामने ऐसे ही बजाया था। इतना परफेक्ट बजाया मैंने। हाँ सर। थैंक्स। सर सर आपको मेरा गाना कैसा लगा? अरे आप गाना गा रहे थे लेकिन ये माउथ ऑर्गन तो कब से खराब पड़ा हुआ है। अच्छा मतलब मैंने खराब माउथ ऑर्गन से भी अच्छा गाना बजाया। आई एम रियली ग्रेट। आई लव मी। वायलिन स्ट्रिंग्स 150 रुपीज मैम। क्या यार कितने इंस्ट्रूमेंट्स तुमने बजाया उसने देखा भी नहीं। देखा नहीं, जेलसी, ईर्ष्या। मैंने इतना अच्छा बजाया ना इसीलिए जल गई। कितना भी हो है तो लड़की जात ना। जेलसी से नहीं, वो गुस्सा होकर चली गई। तूने ठीक से देखा ना? हाँ हमने ठीक से देखा, वो छी बोलकर यहाँ से चली गई। क्या समझती है अपने आपको? देख कर भी अनदेखा कर दिया। सब दोस्तों के सामने मुझसे बात भी नहीं की। इतना घमंड है उसको? ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए लड़की। अपनी रत्ना। ए रत्ना, मेरी रत्ना तुम कितनी अच्छी हो। मेरा सब काम करती हो, मेरी इज्जत करती हो, मेरे कपड़े प्रेस करती हो, मेरे कपड़े धोती हो, उसके बावजूद मैं तुम्हें भूल गया हूँ। आई लव यू रत्ना, आई लव यू। लगता है ये काम से गया। क्या हुआ बेटा? माँ मैं स्वाति से शादी नहीं करूंगा। क्यों बेटा? मैंने उसे बुलाया तो भी मेरी बात अनसुनी करके मुझे छोड़ के चली गई। उसने इज्जत नहीं निकाली, उसने अपने और अपने पिताजी की इज्जत बचाई। क्या कह रही हैं आप? अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ही करती है बेटा। देखो बुलाते ही गार्डन में, पब में, डिस्को में या डेटिंग पर आने वाली लड़की और इसमें कितना फर्क है। ये खानदानी लड़की, एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। देखो बेटा माँ ने सच कहा, एक बार तुम सोच लो। माँ अच्छी संस्कारी लड़की कैसी होती है ये बात तुमने मुझे समझाया है। मैं स्वाति से ही शादी करूंगा। आई एम सॉरी रत्ना। कम ऑन मैम। अरे तू तो बहुत अपसेट हो गई होगी, शादी करने की सोच रही थी ना। सुनो आ? तेरी शादी नहीं हुई ना? और होगी भी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, अंकल। हाय। हाय। अंकल हैं घर पे? बुलाती हूँ, रुकिए। हाँ। तब तक आप कुछ चाय को। बाहर बहुत धूप है, कुछ ठंडा मिलेगा, बियर भी चलेगी। मैंने चाय के बारे में पूछा। अरे आपने पूछा तो मैंने बोल दिया। और इनसे ही पूछा। हाँ? इनसे पूछा। बताइए मैं क्या लाऊं आपके लिए? जो आपको अच्छा लगे लेके आइए, ज्यादा तकलीफ मत कीजिए। ओके। हमेशा सब लोग किसी से पूछते हैं, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। ओके। नमस्ते अंकल। हेलो माय डियर यंग मैन। बैठो बैठो बैठो। अंकल कल बहुत अच्छा दिन है, आप हाँ बोले तो शगुन ले जाते हैं। वेरी गुड, आप लोग का स्टाइल और स्पीड बहुत जबरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आया।
नमस्ते आंटी। नमस्ते, कौन है ये लोग? यही तो है अपनी बेटी की शादी करवाने वाले। आंटी आप तैयार हो जाइए, कल ही शगुन देना है। अरे कल का कल ही शगुन लेंगे? ना बाबा नहीं हो सकता। आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, हमारे आदमी सब काम देख लेंगे। आप आराम से सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल पिक्चर ये सब देखते रहिए, आपका सब काम हो जाएगा। हाँ भाई। लगता है मैंने आपको बहुत तकलीफ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज बनता है। कॉफी बहुत अच्छी है, मैंने बनाई है। रियली? मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। पास हो गई आप, हमारी नजर में 100% पास हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, आपकी बेटी का फोटो देखा तो 80% मार्क्स दे दिया, और इनसे बातचीत करने के बाद 10% और। ये तो 90% हो गई। और अभी ये कॉफी पीने के बाद 10% और दे दिए। तो मेरी लड़की तुम्हारी नजरों में 100% जीत गई क्या? कोई डाउट नहीं अंकल। अंकल अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत काम करना है। ओके बाय। नमस्ते। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल रेडी है ना? अरे तुम तो बिल्कुल दूल्हे जैसे सच के आए हो। देखना सर, ये शादी हो गई तो मेरी सेंचुरी हो जाएगी। जी, अब तक अपना बेटा नहीं आया। कहाँ गए हैं वो? तुम फोन करके देखो। हाँ आपका फोन है। हेलो डैड। कितनी देर लगेगी? टाइम हो रहा है ना? टाइम हो रहा है, ठीक है 10 मिनट में आ रहा हूँ डैड। अबे जल्दी कर, मुझे देर हो रही है, फंक्शन में जाना है मुझे। आईने में देख लो सर। ए उधर नहीं, इधर कर, इधर। सॉरी सर। मेरी मूछों को अच्छा शेप देना, नहीं तो उड़ा दूंगा, समझ गया? ट्रिमिंग करूंगा सर। ट्रिमिंग? अबे ट्रिमिंग नहीं, शेप दे। ओके सर। हाँ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, कैच पकड़ कैच पकड़ पकड़ पकड़, अरे पकड़। ए, तेरी जात का भेजा मारू, ये क्या कर दिया मेरी बच्चों का? सर डोंट वरी सर, मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस करेगा? हाँ सर, भरोसा कीजिए सर, प्लीज सर। बाबा एकदम बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बराबर से कर कर, जल्दी कर। ये क्या कर दिया? ए, ये तूने किया है बैलेंस? अरे बराबर से कर, विकेट ले। सॉरी सर, सॉरी सर, मैं इसे ठीक कर देता हूँ सर। मुझे फंक्शन में जाना है सर। टाइम हो रहा है। आ रहा है, आ रहा है। अभी देखिए सर। बिल्कुल आ जा, आ जा। बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, कह कहकर मेरी मुछें ही साफ कर दी तूने। हैं? सर, आपका फोन आ रहा है। साफ कर दूँ? डैड। अरे बेटा बहुत देर हो रही है। मेरा टाइम अच्छा नहीं है डैड, नहीं आऊंगा। टाइम अच्छा नहीं है? मैं वहां आने की परिस्थिति में नहीं हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। चक्रवर्ती की मुछें उड़ा दी तूने। सॉरी सर, मैं ठीक कर देता हूँ सर, मैं ठीक कर देता हूँ। अब तुझे उड़ा दूँ? वो नहीं आ रहा है, पोस्टपोन कर। पोस्टपोन मत कीजिए, आपका बेटा नहीं होगा तो भी चल जाएगा, बस आप लोग चलिए। हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो उनका मन बदल सकता है। सही है जी, देखा जाए तो लड़का नहीं आया तो भी चल जाएगा। ठीक है तो चलो। अरे बाप रे, क्यों मारा तुमने मुझे? ये क्या था रे? मैं यहाँ पर शूटिंग कर रहा था। ये शूटिंग कर रहा था, किसी ने देखा होता तुम इस तरह शूटिंग कर रहे हो तो सर पे टावल रख गए, जूते से मारता। उस जमाने के लिए नहीं मिला। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आप तो हमारा काम भी हमें नहीं करने देते। हम सारा काम अपना समझ कर। एक बार हमारी शादी देखेंगी तो और किसी की शादी नहीं देख पाएंगी। जी जी, ऐसे शुभ मौके पे ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये था कि और किसी की शादी में जाने का दिल नहीं करेगा। ये हमारी 100वीं शादी है। ए देखो लड़की वाले आ गए, जल्दी चलो। चलिए चलो, आइए। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, हमें समधी कहकर बुलाओ ना। सर हमारे सर को लोगों से मिलना बहुत पसंद है और मैडम को भी बहुत पसंद है। लड़का कहाँ पे है? वो
वो तो कल ही मॉरिशस से आया है। लूज मोशंस आने के बाद हो रहा था। अरे यहाँ पे आता तो मैं दवाई दे देता। देखा सर, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। इन्हें दामाद को भी देखना, उससे मिलना भी, और पेशेंट को भी देखना, उससे भी मिलना। ऑफ कोर्स, आखिर मिनिस्टर के बेटे से शादी हो रही है, उसे ठीक तो करना ही पड़ेगा ना। सर मुहूर्त का समय हो रहा है, आप लोग अंदर जाकर भी बात कर सकते हैं। सर सारी बातें क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठिए। आइए। नमस्ते नमस्ते। ये शिवा, तुम इधर ही बैठो। हाँ। सब सिक्योरिटी बराबर है ना? मैडम टी नहीं नहीं सर, टी सर नहीं नहीं यहाँ बेटी। चाय तो बहुत टेस्टी है, कौन सी चाय पत्ती है? चाय को अगर ठीक से उबालो तो ऐसे ही टेस्टी होती है। कब से उबाल रहे हो? सुबह से। हाँ, मतलब ये सुबह की चाय है? अरे लड़की आ गई। लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू सर। अपना लड़का किस्मत वाला है। जैसी है मेरी बहू। आप लोगों को कुछ और बातें करनी है? हाँ, इनसे क्या बात करनी है? बेटा तुम्हें कुछ बात करनी है क्या? मैं क्या बोलूंगा, अभी जो बात करेंगे ये लोग करेंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? पूजा शुरू करते हैं ना। वही तो। अरे पंडित किधर है? अच्छा। ऐसा शुभ मौके पे छींक के अपशगुन कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, नाक में जरा सा। जाने दीजिए सर, कोई और छींकता तो अपशगुन होता, लेकिन ये तो पंडित है ना, इनका तो शुभ ही होगा। शुभ है, चलिए शुरू। आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ आइए आइए। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। श्रावण मास के दशमी के दिन ठीक 6:30 बजे श्री 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 प्रदीप जी के इकलौते बेटे की आग छी। माफ करना मेरी नाक। डॉक्टर राजेंद्र की इकलौती सुपुत्री चरणजीवी सौभाग्यवती स्वाति के साथ बड़े लोगों ने विवाह तय किया है। ये पत्रिका है, अब आप लोग ये शगुन एक दूसरे को दीजिए। कैसे लड़के हो तुम? शादी करा दो कह के हमारी जान निकाल दी, फंक्शन में आने को कहा तो कहां पीके पड़े थे? सॉरी डैड। सॉरी डैड? छे, अपना मुंह मत दिखाना मुझे। मैं भी यही कह रहा था कि मेरा मुंह मत देखो। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? इस चक्रवर्ती की मूछें चली गई हैं माँ। ये क्या कर दिया बेटा तुमने, बाप के जिंदा होते हुए भी तुमने मूछें निकाल ली। साइलेंट। इमोशनल ड्रामा, फालतू सेंटीमेंट्स। मुझे निकालने का मतलब पिताजी मर गए क्या? वो ट्रिम कराते समय मेरी मूछें कट गई, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। मूछ कट गई इसलिए तुम नहीं आए? मूछ तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। इसका मतलब तुम्हारे शादी का सस्पेंस और बढ़ेगा। सर डोंट वरी सर, मैं आ गया हूँ सर। टाइम पे आए हो, मैंने जो कहा वो लाए क्या? एक नहीं लाया हूँ सर, बहुत सारे लाया हूँ, अलग अलग स्टाइल के लाया हूँ, जो आपको पसंद हो वही लगाओ सर। ये देखिए, अगर छीकोगे तो मूछ निकल जाएगी, शादी कैसे करोगे? शट अप। शादी होने तक छीकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डैड इसमें से कौन सी लगाऊं? डैडी कोई भी मूछ लगा ले, लगा ले। शादी के लिए सब लोग नए कपड़े लेते हैं, सूट बूट लेते हैं, पर तुम तो मूछे ले रहे हो। सर आप भी एक लगा लीजिए ना। अपना मुंह बंद रखो। सर आप पे अच्छी लगेगी, अब खुद ही देख लीजिए सर। ये लग रही है असली मूछे। अभी तो आप पूरे मर्द लग रहे हैं। इसका मतलब मैं पहले मर्द नहीं लगता था? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले भी आप मर्द लगते थे, पर अब तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज लग रहे हैं। ऐसी मूछे रखकर मैं उसके बाजू में खड़ा हुआ तो राजा कहलाऊंगा। कैसी हो दुल्हन जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। डैडी है क्या घर में? कोई इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया था इसलिए हॉस्पिटल चले। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया था। मेरे लिए? एक्चुअली ये वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करना था। मैं क्या सिलेक्शन करूं? आप ही सिलेक्शन करके प्रिंट करवा दीजिए। मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं? तुम्हारे जैसी क्रिएटिव चॉइस मेरी कहां? तुम्हें जो अच्छा लगे बता देना, और देख लेना हमें भी वही पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। किस लिए? तुमने जो मुझे सिलेक्शन करने को कहा और मेरी इज्जत बढ़ाई। लड़कियों को इज्जत तो देनी ही चाहिए ना, आप न होते तो हमारा क्या होता? अच्छा इसमें से ही कोई एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है।
ये अच्छा है ना? गुड टेस्ट। थैंक्स। अगर मुझे सेलेक्ट करना होता ना तो मैं भी इसे ही सेलेक्ट करता। अब चलता हूँ, हॉस्पिटल जाके तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। बाय। सिस्टर, यू सी हिम। ओके सर। दिस पीपल ऑलरेडी डाइड। ओके। ओके सर। नो प्रॉब्लम। ओके, सी यू। बाय। ओके सर, बाय। सर, आपसे मिलने कोई बंसी नाम का आदमी आया। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, काफी देर हुई है। बस अभी आया। आप ऑपरेशन में बिजी थे ना? नहीं, एक छोटा सा किडनी प्रॉब्लम था। मैंने तुम्हें घर पे बुलाया था ना? मैं घर गया था, आप नहीं थे। वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करना है, वेन्यू फिक्स करना है, पहले वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके। दरअसल मैं भी वही बात करने वाला था। मेरा शमशाबाद में एक बड़ा गेस्ट हाउस है। ओ आई सी। वहाँ पे हमारी फैमिली की ऑलरेडी कई शादियाँ हुई हैं। हाँ, हाँ। हमारे सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं उस गेस्ट हाउस से। ठीक है, तो वहीं करेंगे। मगर एमपी जी मानेंगे क्या? आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। ओके ओके। लिसन लिसन लिसन। हाँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है, घर पे आना, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? बैठो बैठो। तुम्हें पता है ना लोगों में मेरी इमेज क्या है। अगर मेरी इमेज को कोई धक्का लगाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे ऊपर तुम्हारी सीक्रेट वॉच है क्या? अच्छा, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे भाई को ही देख लो, अपने काम के सिवा कहीं देखता भी नहीं। कितना समझदार है वो। उसका काम अलग है, मेरा काम अलग। तुम्हारा भाई हमारे घर एक शादी कराने वाला है और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे घर में मरने की स्थिति में हो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, धमकी नहीं देता। कितनी रकम चाहिए? मिल जाएगी तुम्हें। मैं तुम्हारे पैसों की आस में बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? मेरा कोई भी काम सीक्रेट नहीं होता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ खुलेआम करता हूँ। वही सारे सबूत तो इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? चलो मैं ही तुम्हें खुद बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टेंडर भरने के लिए चार लोग मेरी कोठी आए थे। हाईवे पे मैंने लॉरी से उन्हें कुचलवा दिया। एक इंजीनियर मेरे खिलाफ गया तो मैंने उसे ट्रेन के नीचे डलवा दिया। ये सब तो छोटी बातें हैं, मैंने तो उससे भी बड़ी फाइल तैयार की है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम इन्वेस्टिगेशन को रोक दो और वो फाइल मुझे दे दो। नहीं तो कौन सी मौत मरे हो किसी इंक्वायरी में पता नहीं चलेगा। तुम्हें जो करना है कर लो। पकड़ लो उसे। उसका भाई बंसी आ रहा है। बंसी सर। अरे सुनो, सर कहाँ है? ऊपर है जी। साइड में लेके जाओ इसको। गुड इवनिंग सर। वेलकम बंसी, वेलकम। कोई मैसेज नहीं और चले आए? कोई खास बात नहीं है सर, शमशाबाद के गेस्ट हाउस में शादी का वेन्यू हो, डॉक्टर की ये इच्छा है। उनकी इच्छा को ना कैसे कहें, अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था आप ना नहीं कहेंगे। और एक बात है सर, वेडिंग कार्ड का मैटर रेडी है, आप सिर्फ पढ़ लीजिए। वेडिंग कार्ड तू लाए, तू ही पढ़ के बता दे। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री उत्तरायण माघ मासेषु शुक्ल पक्ष के दिनांक 14 मई सोमवार शाम 7:30 बजे के शुभ मुहूर्त पर प्रदीप जी के सुपुत्र कुमार चक्रवर्ती का विवाह डॉक्टर राजेंद्र की सुपुत्री चिरंजीवी सौभाग्यवती स्वाति से निश्चित किया है। इस शुभ अवसर पर आप सब परिवार पधारकर वर और वधु को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर ग्रेट। तुमने बिना यहाँ वहाँ देखे गर्दन नीचे रखकर कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो मैं वेडिंग कार्ड प्रिंट करा लूँ सर? श्योर। अच्छा, एक बड़ा काम तो नहीं पड़ जाएगा? काम तो अब शुरू हुआ है। मैं निकलता हूँ। चलो। हाँ।
अच्छा मैं चलता हूँ। गुड बॉय, बाय। क्या हुआ बाइक को? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। नो प्रॉब्लम, मैं अपनी कार से छुड़वा देता हूँ। उस कार से मेरी बाइक ही अच्छी है सर, बाइक मेरे साथ हो तो सब काम जल्दी होता बहुत है। बहुत लगाओ अपनी बाइक से। हाँ सर, मेरे भाई की जब जॉब लगी तो पहले ही सैलरी से इसे खरीदा। ये मेरे साथ हो तो लगता है मेरा भाई साथ। गुड गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप दैट सेंटीमेंट। ओके सर, यहीं पास में मैकेनिक है, मैं उसे जाकर दिखा लेता हूँ। भैया देखो आदमी आ रहे हैं। ठीक से देखो, अपने जैसे ही हैं वो। हाँ यार, बहुत ही बेकार हालत है, शादी कैसे हो पाएगी। ओ, ये क्या कबाड़ा बना रखा है। यहाँ पर कैसे शादी होगी इस कबाड़े में? यहाँ शादी नहीं हो सकती। इतने सारे हॉल हैं तो भी यहाँ के शादी कर रहे हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। कौन बड़े लोग? क्या तुम्हें पता नहीं, स्वाति हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र की लड़की और वो जो लड़का है ना, वो एमपी प्रदीप का लड़का है। क्या ये बड़े लोग नहीं? समझाओ इसे। अरे यार, हम लोगों को जिस डॉक्टर ने मारा है ना, उसकी बेटी की शादी एमपी के बेटे से हो रही है। जहां भी जाएंगे नरक ही मिलेगा। भाई हमारी आत्मा को शांति से नहीं रहने देंगे ये लोग। अरे भाई, हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हमें नरक ही मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं हमें। हम सबको कैसे बेरहमी से मारा इन लोगों ने। अरे कम से कम अभी तो चैन से रहने देना चाहिए था ना। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको अपने दुश्मन को ढूंढना पड़ता है, लेकिन अपना दुश्मन हमारे पास खुद चल के आ रहा है। ऐसी किस्मत और वक्त किसी भूत को नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती है। हेलो सर, उसे हम गेस्ट हाउस ले आए हैं, अब आगे क्या करना है उसका? शादी होने तक और फाइल हाथ में आने तक उसको जिंदा रखो। ओके सर। ओके, मुझे क्या झाड़ रहे हो? नीचे झाड़ो। हम लोगों को कुछ सीक्रेट बताने वाले थे ना। आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। भगवान की इस दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी। भगवान ने हम लोगों को ऐसे क्यों बना के रखा पता है? ताकि हम लोग उन दोनों के पापों का विनाश कर सके। हम लोग तो भूत है ना, हम बदला कैसे ले सकते हैं? भूत है तो क्या हम लोग बदला ले सकते हैं? हम लोग किसी को भी देख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? चलो आजमाते हैं। ए पेंटर, चलो जल्दी जल्दी काम करो। क्या उसके अंदर जा सकता हूँ? ए सुनो, अरे ज्योति, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक। अरे ये तुमने क्या कर दिया, पूरे कपड़े खराब कर दिए। क्या किया, क्या किया तुमने? तुम उस पर कलर डाल के हंस क्यों रहे हो? देखो भाई, मैंने देखा है कि इसने जानबूझकर कलर इस पर डाला है। क्या समझते हो? अरे अरे मैंने क्या किया? अरे रुको ना, उसको सॉरी बोल के कलर डाला। अरे सॉरी, चुप करो। कोई से मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं ओके ओके, आप लोग मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो सॉरी बोल रहे हैं यार, चलो चलो अपना काम करो सब लोग। चलो चलो की नरक क्या होता है? अरे तेरी तो, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं छोडूंगा नहीं। अरे पागल हो क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हो? अरे नीचे खड़े हो? अरे ये तो पागल हो क्या लगता है? अरे चुप रहो, चुप रहो। अरे बाप रे, अरे मुझे माफ कर दो भाई। अरे मुझे Thank you.
हाय अंकल। हाय, बैठो 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 बैठो। हाँ ये क्या है? ये प्रोग्राम की लिस्ट है। कल सुबह 8 बजे आप शादी के मंडप में आ जाएंगे, 10 बजे दुल्हन को सजाएंगे, 12 बजे आप सब लोगों के लिए भोजन आ जाएगा, 4 बजे चाय नाश्ता होगा, शाम 5 बजे लड़के वाला आ जाएंगे, आप लोग उनको शान से रिसीव करना, रात को 8 बजे फंक्शन होगा, अगले दिन सुबह 7 बजे आपके दामाद को सजाया जाएगा, ये सब करने के बाद मेहमानों का आना जाना होगा, फिर उसके बाद शाम को शादी हो जाएगी। वाह 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 वाह, हमारे यहाँ पीएम आए तो भी इतना अच्छा इंतजाम। ऐसा ही हूँ अंकल, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। अरे दुल्हन जी इतनी मायूस क्यों हो? दूल्हा पसंद नहीं आया हो तो दूसरा चेंज कर दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए। चलता हूँ, थोड़ी कॉफी तो पीकर जाइए। अरे ये तो अपना ही घर है ना, जब कुछ चाहिए होगा तो मांग लूंगा, क्यों अंकल? जरूर जरूर, यस ही इज ऑलवेज राइट। ओके अंकल, पहले ही शादी के काम बहुत हैं। नमस्ते। क्या लड़का सिलेक्ट किया तुमने? लगता है हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और कन्यादान भी हो जाएगा। मेरा सिलेक्शन ऐसा ही होता है। हेलो। हेलो भैया। बोलो बहन। छोटे भैया अभी तक नहीं आए भैया, और ना ही उन्होंने फोन किया है। कोई इम्पोर्टेंट काम में बिजी होगा, आ जाएगा वो। वही तो मैं माँ को बोल रही हूँ, लेकिन माँ तो फिजूल में ही घबरा रही है। जरा माँ को फोन देना। हाँ देती हूँ। हेलो छोटा, अब तक घर पर नहीं आया। तुम्हें तो मालूम है ना माँ, वो ड्यूटी पर जाता है तो 4-5 दिनों तक सबको भूल जाता है, किसी की याद नहीं आती उसे। हाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत माँ, वो आ जाएगा। ओके। माँ को बोल रहा था टेंशन मत ले, और खुद टेंशन में आ गया। भाई अरे ओवर सिंसियरिटी, वो एक दिन घर पे नहीं आया ना, माँ टेंशन में आती है। यहाँ क्यों आ गए? जानते हो यही है वो कमीना जिसने मेरी किडनी बेची थी और इसी के कारण मैं मरा था। इसने तो मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स बेच डाले थे। Thank you.
अरे बहुत अन्याय है ये, कितना कमीना इंसान है तू। मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मैं एडमिट हुआ था, और तुमने मेरे बॉडी के पार्ट ही बेच दिए। अरे पापी, मेरे बीबी बच्चे अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। तुझे भगवान कभी नहीं छोड़ेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये लोग अच्छे भूत नहीं हैं। हम लोग भूत ही है रे। इन लोगों से अच्छे तो जंगल के जानवर हैं। भूख लगे तो आदमी को ही खाते हैं, पर ये तो अपनी माँ को भी खा जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग डर के यहाँ पर छुप गए। अरे हम इंसान थोड़े क्यों से डरेंगे, अरे हम भूत हैं भूत। अरे ये लोग तो भूतों को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे डरो मत, वो लोग हमें देख ही नहीं सकते हैं। पर वो लोग तो हमें दिखते हैं ना। अरे डरते क्यों, अब हम लोग उन्हें डराएंगे, अब वो लोग डरेंगे हमसे। हम लोग बिना डरे रहेंगे और अब हम लोग उनका मानसिक छल करेंगे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इससे पहले यहाँ पे कई शादियाँ हुई लेकिन ऐसी सजावट हमने आज तक नहीं देखी। हाँ मतलब आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, इससे भी अच्छा अंदर डेकोरेशन है सर। स्वीट्स खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे डायबिटीज है तो तीखा लाऊं क्या? नहीं नहीं, मुझे बीपी भी है। बीपी? ये क्या सर, बीपी? आप डॉक्टर हैं और आपको इतनी बीमारियां हैं? सबका ट्रीटमेंट करते करते ये सारी बीमारियां मुझे लग गई। आप ही डॉक्टर है तो आपको फिर फीस नहीं देनी होगी। छोड़, वो सब कुछ छोड़। सुनिए आप लोग जरा हमारा इंतजाम तो देखिए, वो कैसा है। देखिए आपके लिए वो रूम है राइट वाला, देख लीजिए आप। डॉक्टर साहब आपके लिए वो लेफ्ट वाला रूम। बेडरूम अच्छा है ना? सुपर। बाथरूम? आप जैसा रखेंगे वैसा रहेगा। आप सब लोग अपने अपने रूम देख लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलो हटो। ये क्या, सारा का सारा काम तुमको ही करना पड़ रहा है? देखना ही पड़ेगा। आपका रूम कहाँ है? मेरा, मैं जरा स्पेशल हूँ ना, पहले आप अपना रूम देख लीजिए, बाद में मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। Okay, मैं sure. चलूं? बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। आ गया कमीना। शादी में आया है। अरे देखो रेस्ट कर रहा है। लगता है इसको गर्मी लग रही है, कुछ करना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहे हैं? ये कैसा इंतजाम है, स्विच में हाथ लगाया तो शॉक लगता है। शौक? लेकिन सब तो ठीक है। क्या रे करण, क्या हुआ इसको? मैंने तो सब ठीक किया था, एक बार फिर कीजिए। और एक बार, इस बार छूऊंगा तो मैं रहूंगा ही नहीं। ठीक है फिर मैं करता हूँ। ठीक है करो। शौक शौक। आप जरा रुकिए सर, सब ठीक है, आप डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। आप डरिए मत सर। हाँ सारा अरेंजमेंट अच्छा है सर, आप बेकार में डर रहे हैं, डरिए मत। एक बार फिर करो। शॉक शॉक शॉक। हेलो। हेलो भैया, मैं कौन? भैया मैं प्रकाश। कौन है भाई? आप बंसी बोल रहे हैं ना? रॉन्ग नंबर है। मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। आ गए आ गए। प्लीज वेलकम वेलकम। बोलिए कैसा इंतजाम है समली जी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नमस्कार, वेलकम। इधर ला, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आइए भाभी, आप दीजिए। रुको रुको, एक लास्ट फोटो लेते हैं। लास्ट फोटो क्यों बोल रहे हो? ये तो पहली फोटो है ना। बोले तो इस रोल में लास्ट फोटो है। पैसा तो ना। प्लीज स्माइल। ठीक है ठीक है। Smile. Hey, मुझे कोई तो नहीं देख रहा। दमाजी वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 दमाजी। अब निकालो फोटो लीजिए। वेलकम कम कम कम। ओके सर। देखो ज्यादा बात मत करो नहीं तो निकल जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे तुम चुप रहो ना, अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम भी लगा। चलो चलो। कैसा लगा ये सारा इंतजाम? बढ़िया है ना। चलिए चलिए। शहर से बहुत दूर है लेकिन बहुत अच्छा पैलेस बनाया। कितने का होगा ये? अरे वो सब छोड़िए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी। शुभ शुभ बोलो भैया। मर कर आए या जी कर आए, इससे अच्छा शुभ और क्या होगा। चलिए आइए।
मेरा दोस्त मर रहा है सर, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो सर। मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। सर, नहीं सर, सर वो मर जाएगा सर, उसे हॉस्पिटल लेकर चलिए सर, वो मर जाएगा सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर, सर ये तो बहुत तड़प रहा है, इसे हॉस्पिटल ले चले क्या? लेके चलते हैं, अस्पताल लेके चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक स्पॉट डेथ। सर सर निकल रही है, जल्दी चलिए रूम के अंदर, चलिए चलिए। एमपी तुमने हम लोगों को मार डाला, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मारो मारो इसको और मारो मारो इसको, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मारो मारो इसको और मारो और मारो। चलो हमारे साथ, चलो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते अभी, चलो। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सब्र करो ना। लेकिन करेंगे क्या, हम बताते हैं कि क्या करना है, उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सर आप सब लोगों के लिए ऊपर रूम्स रेडी हैं, आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, गर्म पानी भी रेडी है। दिन क्यों नहाना, कल सुबह मुझे नहाना है। रूम कहाँ है बताओ सर? पहले आप नहा लो फिर हम नहाएंगे। अच्छा मेरा रूम कहाँ पर है सर? बाथरूम कहाँ पे है? बाथरूम रूम में ही है सर, तो अलग से बाथरूम क्यों चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए चलिए सर, मैं दिखाता हूँ। सारा बंदोबस्त हो गया? हाँ सब कुछ ठीक ठाक है सर। इन सब लोगों को रूम में लेके जाओ। बंसी एक मिनट जरा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी में तुम तुम्हारे भाई को जरूर बुलाना। मेरे भाई को? हाँ सच है, सिंसियर ऑफिसर, आई नो हिम, ही इज अ गुड मैन। थैंक यू सर। हाँ कॉल हिम, कॉल हिम। चलिए चलिए। हाँ ओ माय गॉड, बहुत खुजली हो रही है। तो खुजाओ ना सर, कितने दिनों तक ऐसा करना होगा? शादी होने तक आप खुजाओ, शादी होने के बाद आपका ससुर खुजाएगा। ए, कौन हो तुम? क्या हुआ सर? अंदर जवाब दो मेरी बात का। किससे बात कर रहे हो सर? ए मिस्टर जवाब दो, हू आर यू? क्या हुआ सर? ए रास्कल, मेरी बात का जवाब दो, बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? जवाब दो मेरी बात का। अरे किससे बात कर रहे हो? इससे यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा हाथ इसकी बॉडी के अंदर कैसे गया? मेरी बॉडी में कैसे चले आएगा, मेरे दोनों हाथ तो मेरे पास हैं। Now I understand. Sure. तुम भूत हो ना? वो आदमी दीवार से बाहर कैसे गया? कौन है सर, यहाँ तो कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, वो दीवार से बाहर चला गया। माफ करना सर, मूंछों के साथ साथ आपका दिमाग भी चला गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो दीवार से बाहर चला गया है, दीवार से। अरे सुनो सुनो, मैं दीवार के अंदर गया तो उसने मुझसे बात की। हम लोग को कोई देख नहीं सकता। अरे तुम मेरी बात तो मानो, जब मैं उसके रूम में गया तो उसने मुझे देख लिया और उसके बाद मुझसे मुड़ मुड़ कर बातें करने लगा और ये कंफर्म कर लिया कि मैं भूत हूँ। चलो देखते हैं। देखो यही था, एक गया और तीन को साथ लेकर आया है, तीन को। आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब मैं पागल हो गया हूँ सर, मैं पागल हो गया। ठीक से देखो, ठीक से देखो सामने, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं दिख रहा है। ए, तुम लोग दरवाजे से नहीं दीवार से आए हो, तुम लोग भूत हो ना, तुम लोग भूत हो ना, तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरी बात मान लो, जाओ यहाँ से। कोई भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है, 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 नहीं है।
वाकई हम लोग उसको दिखाई पड़ रहे हैं। उसको हम लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो भी भूत है क्या? ए, वो कैसे भूत हो सकता है यार? इसका मतलब उसमें कोई शक्ति होगी। सब बात मेरी समझ में आ रही है। ये अवश्य ही अमावस के दिन मूल नक्षत्र में पैदा हुआ होगा, इसीलिए ये हमें देख रहा है। ऐसे हमारे गुरु जी बताते थे, तब मैं उनकी बात नहीं मानता था, पर अब विश्वास हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसे कितने हैं, किसको मालूम है? ए, कोई चांस नहीं है, ऐसा 100 में शायद एक आध होता है। फिर से देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसको हम दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे। हम लोग उन्हें ऐसा परेशान करेंगे कि ना नहीं याद आएगी। डैडी डैडी डैडी, क्या हुआ बेटा? मैंने भूतों को देखा है डैडी। पार्लियामेंट में गए थे क्या? घर के अंदर देखा है। मैंने पूरी जिंदगी में भूत नहीं देखा, पर मैंने देखा है एक नहीं चार चार को। चार चार को देखा है? तुम सफर में थके हुए हो, शायद सपना देखा होगा। सपना नहीं, आंखों से देखा है, अपनी इन आंखों से। चुप बैठो सर, आपने देखा होता तो मैंने भी देखा होता। ए, हम लोग भूतों को देख लेंगे, तुम इसकी मूछों को देखो। कोई भूत नहीं है सर। अरे जाओ यहाँ से। ओके सर। शायद तुमने इसे ही भूत समझ लिया होगा। मैंने चार भूतों को देखा है, चार भूतों को। बेटा, तुमने अपने पिताजी को पहले ही बहुत सारे कष्ट दिए हैं, ये कौन सा नया नाटक है? अंकल, चार घोस्ट मेरे रूम में, मैंने भूतों को देखा है। चुप कर बेटा, ये बात तुमने हमको बताई, बाहर जाके किसी और को मत बता देना, समझे? बेटा, तुम्हारी अच्छाई कर करके हमारी अकल ही खत्म हो गई है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप विश्वास नहीं है, मैं भूतों को दिखाऊंगा आपको। उन्हें मैं देख लूंगा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। और भूत? तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, चादर ओढ़कर सो जाओ। वन डे, वन फाइन मॉर्निंग, आई विल प्रूव दे आर डेविल्स। फोर डेविल्स, फोर डेविल्स। खाली दिमाग शैतान का कारखाना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है सर। एक बार शादी हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बाबू, ये सारा सामान लेकर उधर लेकर जाओ। हाँ। अरे भाई, सांभर की खुशबू अच्छी आ रही है। तूने मुझे क्या समझ रखा है? अरे मल्ली, शाम के लिए नाश्ता क्या है? वहाँ देखिए, वड़ा, भजिया, समोसा। केले का भजिया और मिर्ची का भजिया कहाँ है? गैस है ना। गैस तुम्हें शादी में आने वाले लोगों को तो नहीं है ना? गैस होता है तो होने दो। केले का भजिया और मिर्ची का भजिया तैयार करो। ठीक है ठीक है। स्वाति हॉस्पिटल जो है अपना, शादी या नहीं तो वहाँ कर सकते हैं। पहले आप समोसा तो टेस्ट करो। अरे सुनो, मेरी बात सुनो जरा। हेलो। हेलो भैया। क्या है बहना? छोटे भैया ने फोन बंद करके रखा है। पता है बहन, मैं भी सुबह से ट्राई कर रहा हूँ उसे। माँ बहुत परेशान हो रही है और खाना भी नहीं खा रही है। जरा माँ से बात कराओ। ठीक है माँ, बड़े भैया का फोन। हेलो। ये क्या है? आवाज आकर देखो, सब कुछ ठीक है? तुम दुखी हो रही हो और मुझे भी दुखी कर रही हो। तुम उसके बारे में क्या सोच रही हो तुम्हें पता है ना? लेकिन उसने एक फोन भी नहीं किया। उसे अपनी माँ से ज्यादा अपनी ड्यूटी इम्पोर्टेंट है। तुम ऐसे ऑफिसर की माँ हो या सोचकर तुम्हें गर्व होना चाहिए। माँ, उसकी फिक्र छोड़ दो माँ, और खाना खा लेना। नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सुनो माँ, तुम इतनी दुखी हो जाओगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, समझी तुम? खाती हूँ बेटा। ठीक है। शिवा, टेस्ट करो। छोटे को क्या हुआ? अरे भैया, बड़ा खाओ, बहुत ही टेस्टी है। ये क्या, बड़ा खा रहा हूँ तो वीडियो निकाल रहे हो? स्वीट मेमोरी सर। क्या स्वीट मेमोरी, सबको ये दिखाना चाहते हो क्या कि किसने कितना खाया? नाराज मत होइए सर, ये मिर्ची के पकौड़े चटनी के साथ खाइए। तुम्हारी बातें ही इतनी अच्छी है कि सब अच्छा लग रहा है। ए वीडियो जी, स्वीट मेमोरी ये है। सर, आपको कुछ चाहिए? ओके, एवरीथिंग इज ओके। हाँ। नहीं बस हो गया। अंकल समोसा नहीं लिए? पसंद नहीं है ये। ओ, मिर्ची की भजी? नो, उससे गैस होगी। पकौड़े ले लीजिए। अरे उसमें भी गैस है। इससे भी गैस होगा। फिर क्या खाएंगे? मुझे इडली पसंद है। इडली चाहिए। किडनी चाहिए क्या? क्या बोला तुमने? आंखें लाल हैं। खाओगे क्या? फिर से बोलो। क्या खाएगा बे तू? लंग्स, हार्ट सब गर्म है। खाओगे क्या? तुम्हारी भूख इससे मिटेगी। खाओगे क्या? बोलो। समधी जी,
ये क्या है? आप लड़की वाले होकर ऐसा क्यों करते हैं? सॉरी सॉरी समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पागल हो गए हो क्या समधी जी? तुम पागल हो गए हो? पागल हो गए हो क्या? नहीं कैसे मुझे नहीं नहीं ये सब तो सर माफ कर दीजिए। चल ए क्या रे सर, हटा इसको चल। अंकल शांत हो जाइए। क्या हुआ इनको? मैं तो हेलो हेलो सर, आप कौन है? ये क्या फोन तुमने किया है और पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं टीवी सीरियल का राइटर हूँ, मेरा नाम है नागार्जुन। सर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? सर मैं अब कोई नया काम नहीं कर सकता, पुराना ही नहीं पूरा हो रहा है, अब मैं काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो प्लीज। सर मैं मौत के मुंह में हूँ। क्या क्या कहा, मौत के मुंह में? फिर तो यार कितना सस्पेंस होगा। और बोलो और बोलो। एमपी प्रदीप ने मुझे किडनैप किया है सर। वेरी इंटरेस्टिंग, विलन प्रदीप है। अरे यार नाम तो बड़ा क्लासिक है, और आगे बोलो। और कहाँ रखा है मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। क्या कहाँ रखा है तुम्हें मालूम नहीं? मतलब सस्पेंस में सस्पेंस, और आगे बोलो। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए सर प्लीज। नो 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 नो, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूँ। प्लीज सर सुनो, आई एम सॉरी, मुझे शूटिंग पर जाना है, पहले ही लेट हो गया हूँ। एक काम करो सर, कंट्रोल रूम में फोन करके उनसे कहो मुझे फोन करने के लिए। उन लोगों ने फोन किया तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैन। सुनिए जी, क्या बात है? अब जरा अंदर आएंगे क्या? ठीक है। मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ, सारा काम आप ही कर रहे हैं। शादी की जिम्मेवारी है तो काम तो करना ही पड़ेगा, दूल्हे से लेकर शहनाई तक सबको देखना पड़ता है। बैठे रहेंगे तो कोई भी काम ठीक से होने वाला नहीं। मुझे बहुत अच्छे लगे तुम और तुम्हारे प्रिंसिपल। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? ये तो साड़ी पहनने वाले ही ठीक से बता सकती है। फिर भी मैं आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ, ये अच्छी है या ये अच्छी है? ये अच्छी है। पर मुझे तो ये अच्छी लगी। तब तो फिर ये बहुत अच्छी है। आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते ना, इसलिए आप मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू। अच्छा तुम हमेशा अंदर ही रहती हो, बाहर क्यों नहीं आती? लेकिन मैं बाहर आकर क्या करूं? मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मुझे पूरी की पूरी दुनिया दिखाई देती है। अगर ये बात सच है तो तुम आंखें बंद करके हनीमून पर जा सकती हो। Am I right? No. हां? We are right. Oh. थैंक यू, आता हूं। ठीक है। ए, मारो मुझे। सर शादी है ना यहाँ भी। ए, शादी क्या और मौन क्या, सिस्टम तो सिस्टम है, अगर आदत छोड़ देंगे तो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगी। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलता है, है? बिना रुके मारते रहना, रोके तो भी मत रुकना, अगर मैं भी रोकू ना तो भी मत रुकना, अपनी ड्यूटी को मत भूलो तुम लोग। कम ऑन, ये तो खुद से ही मार खा रहा है। ये एक कसरत है, पहले लोग गुंडों से डाकू से पुलिस से बचने के लिए ऐसी कसरत करते थे। बहुत अच्छा मौका मिला है, आज इन लोगों को मजा चखाएंगे। चलो उनके अंदर चलो। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। ए, तुम लोग खाना नहीं खाए क्या? मारो मुझे, अगर नहीं मारे तो मैं तुम लोगों को मार मार के अधमरा कर दूंगा। मारो। ये क्या है, ये लोग इनको इस तरह मार रहे हैं? इनकी रोज की आदत है। ये कैसी आदत है? जब तक ये ऐसे मार नहीं खाते कुछ काम नहीं करते, मैं बाकी का काम देखती हूँ। रुक जाओ,
ये कौन सी आदत है, ऐसे मार खाते हैं क्या? ए भागो यहाँ से। तुम लोगों को भूत ने पकड़ लिया है जो ऐसे मार रहे थे? सर हम तो रोज ऐसे ही मारते हैं। रोज ऐसे मारते हो? ऐसे सर, 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 कुत्तों, कुत्तों। क्या सर, बॉडी कंट्रोल रखने के लिए योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इतने से तुम्हारा दिल नहीं भरता क्या? ज्यादा मस्ती है तो शरीर के ऊपर बस और ट्रक चढ़ा लो। मासूम लोगों पर अत्याचार करने की तुम्हारी आदत है ना? ये क्या हुआ तुझे? मैं क्या बोलूंगा, मैं तो योगा और एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा था। तुमने कहा ना कुछ डाल दो। मेरा मतलब है ये बातें ध्यान में रखिए सर, इन सब बातों को छोड़ दीजिए और योगा की प्रैक्टिस कीजिए। आप कौन है? एक्सक्यूज मी, स्वाति कहाँ पे है? स्वाति की क्लोज फ्रेंड हो? क्लोज फ्रेंड हो तो अब आई हो शगुन के दिन? अच्छा। उस दिन आ नहीं सकी इसलिए आ जाई हूँ। चलो दिखाती हूँ। हेलो मैडम, वेलकम। थैंक्स। अरे पहचाना? जिसने मुझे लिफ्ट दिया उसे कैसे भूल सकता हूँ? जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी उसको तुम अच्छा गिफ्ट दे रहे हो ना? मतलब उस दिन? हाँ उसी दिन। अरे स्वाति ही तो थी जो कार ड्राइव कर रही थी। ओह अच्छा, आइए तुम लोग जाओ। मैं ले लेता हूँ। हाय स्वाति। क्यों अभी याद आई मेरी तुम्हें? सॉरी यार। अरे आप लेकर आए इसे? कोई बात नहीं, हाँ लेके जाओ। अच्छा तो उस दिन आप ही कार ड्राइव कर रही थी क्या? हाँ तो मतलब हम लोग पहले मिल चुके हैं? ऐसा ही समझो। ये तो भगवान की मर्जी है, कब कहाँ और किसको मिला दे कहा नहीं जा सकता। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ? कहने के लिए पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं बिना पूछा ही थैंक यू बोलता हूँ। आपकी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और आपकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मैं पहले खूबसूरत नहीं थी? वैसे आप पहले भी बहुत सुंदर थी, अब और सुंदर होती जा रही है। बात घुमाने में बहुत माहिर है। पहले आप ये बताइए, मैं पहले खूबसूरत थी या आप खूबसूरत हूँ? आप पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी हैं। आप भी डर रही हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आप मेरी तारीफ करना चाहते थे, मैंने आपको पकड़ लिया। ये भी अच्छा है, आप मुझे मिल गयी, अब मैं चलूं। ओके। तुम ऐसे ही रोज मेरा शेव साफ करते रहो। डुप्लीकेट मुझ और असली मुझ में फर्क है कि नहीं? अंदर आ सकता हूँ बाबू? अंदर आने के बाद अंदर आऊँ पूछ रहा है इडियट? लड़कों के रूम में एंटर करने से पहले पूछना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, तुम्हें स्नान करवाने के लिए आए हैं, तुम्हें जल्दी से जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। रोज तो नहाता हूँ ना, अगर आज के दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें दूल्हा बना के अच्छी तरह सबके सामने ले जाएंगे, फिर तुम्हें वो लोग हल्दी लगाएंगे, फिर हम तुम्हें नहलाएंगे। चिंता ना करो, ये हमारी ड्यूटी है दूल्हे राजा। सबके सामने मूंछों का खतरा है। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी शादी है, मैं खुद स्नान करूंगा। मेरे स्नान की जगह पर वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, मैं स्नान करूंगा, मेरी शादी है, समझ गए तुम लोग? अब जाओ। दूल्हे बाबू ऐसा नहीं होता है जैसा आप बोल रहे हैं। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो शास्त्री जी? बाद में हम उनको दूल्हा बना देंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो ठीक है, हम उन्हें पवित्र थोड़ी बना रहे हैं। यू आर राइट, यू गेट आउट, आउट। अरे जाओ, सर चल के नहा लो, अभी बाद में लगाता हूँ, लगाऊंगा ना, चल के नहा लीजिए, नहा लीजिए। बिल्कुल पागल है। सब काम ठीक हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या है? चलो सर, सर सर सर, भूत भूत बोल के सबको डरा रहे हैं, आपको देख के सब लोग डर रहे हैं, जरा अपने आप को तो देखें।
उधर नीचे, इधर। क्या संदे जी, थोड़ा सा अचार गिरा तो इतना चिल्लाए थे, अब ये क्या है? आपका बेटा नंगा घूम रहा है, उसका दिमाग खराब है क्या? हमसे कुछ छुपा रहे हो लग रहा है। हमारे खून में नहीं है, हम कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ ओपन है। ओपन देखा आपने? हाँ देख रहा हूँ। हाँ। सब ओपन सर, सर सुनिए सर, देखिए आपको उन्होंने पहले माफ कर दिया था, उसको बच्चा समझकर आप माफ कर दीजिए। हाँ। छोटा बच्चा है क्या? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। शादी है? से पहले सभी बच्चे होते हैं। अब सर छोटा बच्चा। अब, सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप ऐसा बोल दीजिए। समझे जी, समझे जी, मेरी बात सुनिए। आप, आपकी नाक पर गुस्सा रहता है लेकिन आपका दिल बच्चे की तरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब सर आप जाने दीजिए ना। जैसी आपकी मुझे बड़ी हैं वैसे ही आपका दिल है, चलिए आपको माफ कर दिया। सब कुछ ओपन। समझे जी, मैं जरा अंदर जाके आता हूँ, एक मिनट एक मिनट। समझे जी, आपको ऐसी आदत नहीं है ना। दासू रोमांस, दासू, अरे भाई मैं तो पहले ही कह रहा था शादी कर लो, अब इस उम्र में रोमांस। आइए आइए, देखिए दासू को रोमांस हो गया, प्यार हो गया। यार तू, आपका लड़का बगैर कपड़ों के आ रहा था, उसी को देखकर मैं बेहोश हो गया। अब मुझे क्या पता था कि ये मेरे ऊपर गिरी है। जाने दे, मैं भी तेरी जगह होता तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता। चल। नमस्कार सर। आओ बंसी, कैसे हो? बैठो। मेरा भाई 3 दिनों से घर पर नहीं आया सर, उसका सेल फोन भी ऑफ है, उसके लिए मेरी माँ और बहन बहुत परेशान है सर। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैंने 30 साल की सर्विस में उसके जैसा हिम्मत वाला ऑफिसर नहीं देखा। वो अगर कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही आता है। मालूम है ना, एक बार वो 15 दिनों तक नहीं आया था, हम लोग इतने परेशान हुए थे, पर जब वो आया तो उसने हमारे डिपार्टमेंट को कैसी इज्जत बख्शी। तुम्हें कितनी खुशी मिली थी, भूल गए क्या? नहीं भूला। यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो मेरे लिए मेरी फैमिली के जैसा है, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ और अपनी माँ बहन का ख्याल रखो, मैं हूं ना, मेरी बात का भरोसा करो। थैंक यू सर। ओके। अरे नहीं नहीं किशन प्रसाद जी, आपको आना पड़ेगा, मैं सब इंतजाम करता हूँ, किसी से डरता नहीं हूं मैं। भैया जाऊं? जाओ। जरा जल्दी जल्दी करो यार। गोल गोल रानी बोल कितना पानी, गोल गोल रानी बोल कितना पानी, गोल गोल रानी। अरे सुनो, वो सारी सब्जियां लेकर के इधर आओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई। अरे चिपकली चिपकली, अरे अरे क्या कर रहे, चिपकली डाल दी। ये क्या बना रहे हो तुम? सांभर। सांभर में क्या क्या डाला? भोपला, बैंगन, बटाटा, टमाटर, सब कुछ डाला। सांभर में क्या पड़ता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, अभी तुमने क्या डाला? बैंगन डाला। कधी डाला तुमने? छिपकली डाली। छिपकली 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 डाली तूने? छिपकली भिंडी क्या, बैंगन क्या, बटाटा क्या, छिपकली क्या, मुझे पता नहीं चलता है क्या? वो बैंगन नहीं, तूने छिपकली डाली। छिपकली 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 डाली तूने? छिपकली। सर 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 रुकिए सर, तुम सच समझो या झूठ समझो, मैंने बैंगन डाला है, छिपकली नहीं डाला। अपनी आंखों से देखा, छिपकली डाली, छिपकली, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छिपकली, छिपकली डाली तूने? आप सुनिए सर, मैं हूँ ना यहाँ पे। अरे 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 ना तो ये भिंडी है ना ही छिपकली, बैगन है। चलो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ बिल्कुल, बट मैं तो क्लियर हो रहा हूँ ना। अरे मेरा हाथ जल गया। आई जल गया, जला ही नहीं और अभी जलने लगा। लेकिन मैंने सांभर में हाथ कब डाला, जल गया मेरा हाथ, जल गया। हाथ डाल के चम्मच जैसे हिला रहे थे। अरे मैंने अपना हाथ सांभर में कैसे डाल दिया? अरे मेरा हाथ जल गया, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे दासू क्या हुआ?
अरे मैंने अपना हाथ सामान में डाल दिया, मेरा हाथ जल गया। अरे पता होता तो डालता कैसे। अरे ये तुमने क्या किया, इतना सारा सांभर वेस्ट किया, इसमें हाथ डाल दिया। मेरा हाथ जल गया उसकी आपको फिक्र नहीं है, और आपको सिर्फ सांभर की पड़ी है, बताइए इनको। चलो छोड़ो, मेरे रूम में चलो बर्नौल लगाते हैं। अगर आपके रूम में बर्नौल है तो मेरे किस काम का। बाद में आकर लगा ले आता हूँ। चलाने के बाद सांभर रहे हो। आता हूँ। अच्छा हुआ अब जाकर के आग लग रही है, मजा आ गया। अरे गरम सांभर में मैंने हाथ कैसे डाल दिया। अभी आग लग रही है, वहाँ पे रखा है, ले लो। मैं कैसे लगा लूं, तुम ही लगा दो ना। हटो जी, उन्होंने देख लिया तो हमारी बात लग जाएगी ना। 18 साल से हमारा प्यार चल रहा है, उसको पता चला क्या। अभी नहीं दासू, रात में लगाती हूँ। अरे क्या रात को लगाओगी, उसके मूछों को सहलाते सहलाते सुबह हो जाएगी। वैसे नहीं बाबा। अरे रे, जल्दी लगा लो, जल्द कम हो जाएगी। बहुत अच्छा बकरा पकड़ा है तुमने, पूरे 100 करोड़ की मालकिन हो जाओगी। अरे किसको चाहिए वो 100 करोड़ दासू, कल ही की बात है एक 500 करोड़ वाला रिश्ता आया था। फिर उसे हाँ क्यों नहीं कर दिया। अगर अभी ना करते तो सबको पता चल जाता। ऐसा क्या। शादी हो जाने दो, पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम करवा के। फिर क्या, गैस सिलेंडर है ना बहुत सारे तरीके अपने पास। गैस सिलेंडर ही क्यों, केरोसिन क्यों नहीं। क्या करे दासू, केरोसिन महंगा है ना। ये तुम्हारे घर की बात है, मैं बीच में क्यों आऊं, पर जरा संभल के। अरे अरे कितनी देर कर रहे हो, जल्दी लगाओ ना। मर रहा हूँ मैं, बहुत जलन हो रही है। क्या तू क्यों इतना फील कर रहा है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। जिंदा रहकर नरकी की जिंदगी बनाई है, ये ले ये ले। हम भी तो मनुष्य थे, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुझे। कितनों की जिंदगी बर्बाद की है, ये ले ये ले ये ले। हमारी भी तो लाइफ है। मुझे तुम्हारी बीवी की बात और हरकत जरा भी पसंद नहीं आई। क्या हुआ, उस रूम में जाके देख लो तुम्हारी बीवी और वो पिए क्या गुल खिला रहे हैं। जाओ जाओ सुन लो, तुम भी सुन लो। छे, तुमने भी सुन लिया क्या, तो वो सब तुमको मालूम है जो हो रहा है। अरे इसको मारने के अलावा आता ही क्या है, ये चीजें तो इसके लिए नहीं है। मुझे पता भी नहीं और ये सब हो रहा है। एक काम करो, ये शादी होने तक जरा सब्र करो, फिर मैं नहीं देखूंगा कि वो मेरी बीवी है, चीर के रख दूंगा उसको मैं। क्यों, अब मजा आ रहा है ना। उसका तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे मेरी बेटी प्यारी है। ओहो। छी। मार मारो। क्या हुआ रे, बोलना क्या हुआ तुझे, भूत है कहाँ है भूत, तू पागल हो गया, पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया। भूत है भूत, बोल बोल बोल, कहाँ है भूत, कहाँ है भूत, बता ना बता कहाँ है भूत। वो तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, जा यहाँ से। डैडी वो दोनों आपको मार डालेंगे। मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे भूत, मुझे, तुम दोनों मिलकर मार डालोगे मुझे। तेरी वजह से मेरे मन की शांति भंग हो गई है, तू यही रहा भूतों के पास, चल। भैया मुझे वो चाहिए। क्यों, हम तीनों मिलके खेलेंगे ना। आजा 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 आजा। सुनो, बंसी को देखा है क्या, नहीं देखा। चल जल्दी चल, जल्दी टाइम हो रहा है। सुनो, बंसी कहाँ है। बंसी घर है। बंसी कहाँ है, वो स्टेज कहाँ है। हाँ बंसी। क्या हुआ आंटी। क्या बंसी, ये कैसा रिश्ता लाए हो, हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अब क्या हुआ आंटी। क्या हुआ पूछते हो, वो लोग इंसान ही नहीं है, जिंदा लोगों को मारने वाले राक्षस है वो। तुम लोग कोई कम हो क्या। हा? तेरा पति कोई धर्मात्मा है क्या। बंसी, तेरा पति एक नंबर का कमीना है, उसके दिल में दया माया नाम की चीज नहीं है। हा?
डॉक्टर तो भगवान जैसा होता है जो जान बचाता है, ऐसे धंधे में रहकर वो इंसानों की जान से खेलता है, विश्वास करने वाले पेशेंट से विश्वासघात करता है, वो लोगों को मारकर उनकी बॉडी के पार्ट्स को बेचता है, वो एक नंबर का हत्यारा है तेरा पति। क्या कह रहे हो तुम, मैं नहीं मानती। जब तक उसके पापों का घड़ा नहीं भरेगा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। तेरा पति लोगों के बॉडी पार्ट्स बेचता है और वो एमपी जमीन के लिए लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडी को भी गायब कर देता है। वो दोनों इंसान नहीं है, हैवान है, इंसानियत के दुश्मन। ए, क्या बोल रहा है तू? फिर से बोल। क्या बोला तूने? कुछ नहीं सर, मैं तो आंटी को ये बोल रहा था कि छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमको संभालना है ना, आप टेंशन मत लीजिए, टेक इट इजी। बेटा बंसी, उसने जो कहा मैंने सुना, फिर भी कहता है टेक इट इजी। उसने जो कहा सच सच बताओ मुझे। पहले तुम ये बता मुझे, तुम पेशेंट की किडनी बेचते हो, क्यों करते हो ये सब? ये कहा उसने? क्या किया तुमने? ए संदीप, तू पागल हो गया क्या? रुकिए सर, क्या हो रहा है यहाँ? तू पागल हो गया? तूने मेरा सर फोड़ दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूँ तेरे को, आज तक किसी के पास हिम्मत नहीं हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। क्या शब्द रखा तू? मैंने कुछ नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल अच्छा, दो दो हाथ बदले में से। क्या शब्द रखा है? गमला फेंक के मारता है, पागल हूँ क्या मैं? क्या समझ रखा इसने मेरे ऊपर? गमला फेंक के मारा इसने। आज मैं इसका सर फोड़ दूंगा। छोड़िए, मेरा सर फोड़ा है। क्या समझ रखा है इसने? जब देखो इसके पहले भी इसने मुझे परेशान किया। प्लीज फेंका मेरे ऊपर। ये समझ क्या बात करेगा रे? सर का मन तो खाली करिए। शांत हो जाइए सर। अच्छा नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा आज मैं। शांत हो जाइए। आपको खून निकल रहा है, भूतों ने मारा क्या? इस भूत ने मारा है मुझे। इसने? किसने? ससुर जी ने? ये भी भूत है क्या? नहीं दमाद जी, हाथ स्लिप हो गया मेरा। कितनी बार स्लिप होता तेरा हाथ? तुम्हारी बेटी ने मुझे मारा और आज तुमने मेरे डैडी को मारा। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? ये शादी कैंसिल। कैंसिल करने वाला तू कौन है रे? रे बोलती है मुझे? रे? तुझे रे बोला मैंने? तुझे, तेरे बाप को, तेरे खानदान को चप्पल से मारना चाहिए पकड़ के। अरे चप्पल से तुम इसे अभी कैसे मार सकती हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई इससे। हैं? ये मेरा पति नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही है, ये आपके होने वाले पति हैं। इसके साथ नहीं, मैं आपके साथ शादी करने वाली थी। मुझसे? हाँ जी, आपसे ही। देखो हम लोगों के बिना रुके ही शादी रुक गई। उस लड़की ने बोला तो सबकी शक्ल देखो कैसा हो गया है। सबके फेस को देखो कैसे डेड बॉडी जैसे लग रहे हैं ना। ये लड़की शायद बंसी को पसंद करती है। लेकिन ये दो कमीने उनकी शादी नहीं होने देंगे। अरे वो लोग कौन है, हम लोग शादी करवाएंगे। चलो बताता हूँ। डोंट चीट, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। अंकल बोलकर तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरी बेटी को ट्रैप करके मेरी जायदाद हड़पना चाहते थे। ऐसे काम करते हो तुम, फोटो चेंज करके अच्छा प्लान बनाया। जल्दीबाजी मत कीजिए, आपका अंदाजा गलत हो सकता है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। जो गलत फहमी पैदा हुई है उसे मैं दूर करूंगा। आपकी बेटी को मैं मनाऊंगा। तुम उसको मनाओ या कुछ भी करो, मुझे पता नहीं, कल सुबह तक मेरी बेटी की शादी एमपी के बेटे से हो जानी चाहिए। नहीं तो इस घर में तोरण की जगह मैरिज ब्यूरो के सब लोगों की बॉडी लटकेगी। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन अब तक मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। ये शादी करवा कर मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा। मतलब ये शादी करके मैं गलती करूं क्या? नहीं नहीं सॉरी, जब मैंने पहली बार आपको देखा तब से ही मैं आपसे प्यार करने लगी। फिर डैडी ने फोटो दिखाई तो मैं आपको और पसंद करने लगी, लेकिन अब मेरा दिल बदल नहीं सकता।
और अगर फोटो बदल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती से मेरा फोटो आ गया था। तो मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पहले ही ये गलती हो चुकी है, अब और नहीं करना चाहता। आपसे शादी करके उनको धोखा नहीं दे सकता। इसमें गलत क्या है? अगर आपका फोटो नहीं होता तो उस इडियट का फोटो होता, वो मैं उसी वक्त फाड़ कर फेंक देती। ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, आप मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन आपको उससे मेरी शादी करवाने का हक नहीं है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही। हेलो 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 हेलो, भैया बोल रहे हैं ना? प्रकाश, किधर हो तुम? भैया मुझे एमपी प्रदीप के गुंडों ने मार कर कहीं छुपा दिया है। मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे कुछ पता नहीं। भैया मुझे बचा लीजिए प्लीज। कैसी बात कर रहे हो तुम? भैया आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भैया मर जाऊंगा। नहीं भाई, तुम ऐसी बात मत करो, तुम बच जाओगे। तुम जहां कहीं भी होगे मैं तुम्हें आकर बचा लूंगा। तो जो कुछ बोला हम उसे भूल जाते हैं और कल ही उनकी शादी करा देते हैं। कैसे भूल जाऊं मैं? सबके सामने तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की इज्जत निकाल दी और मेरी भी। तुम्हारी इज्जत हम बचा लेंगे। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे के नाम लिख दूंगा। अगर आप ना बोलेंगे तो वो रो रो के अपनी जान दे देंगे। आप अपने बेटे को तो ऐसे मत बोल, ये लोग विश्वासघाती हैं। मेरा भाई कहाँ है? क्या? मेरा भाई कहाँ है? कौन है तेरा भाई? मेरा भाई कहाँ है? कौन है तेरा भाई? मेरा भाई कहाँ है बोल? कौन है तेरा भाई? नहीं मालूम है। ओ पुलिस वाला। कहाँ है? मैं नहीं बोलूंगा। मेरा भाई कहाँ है बोल? मार दो उसको। तुझे भी तेरे भाई के पास ऊपर भेजता हूं। भाई से मिलने का बहुत शौक है तुझे, जा ऊपर। बोल बे, मेरे भाई को किधर छुपा के रखा है? मैं बोलूंगा। बोल मेरे भाई को कहाँ छुपा कर रखा है? चल बोल बोल, वरना तेरे जिस्म में सारी गोलियां उतार दूंगा। बोल जल्दी। नरसापुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस।
अरे ये ऐसे क्यों जा रहा है? अगर ये दुश्मन लोग उन दोनों की शादी करवा दिए तो? अरे हम शादी होने देंगे तब ना। उनकी आने के पहले हम उनकी शादी करवा देते हैं समधी जी, जल्दी करते हैं। ए, कौन तेरा समधी? तू जैसे इंसान के साथ रिश्ता करके आज मेरी इज्जत सर आम उतर गई है। क्या बकरा है रे तू? गुंडागर्दी करके राजनीति में आया और बड़ा आदमी बनता है? गलत काम करके तेरी इज्जत भी है? हाँ मैं गुंडा हूँ, चीटर भी हूँ, पर तू नकली सर्टिफिकेट से डॉक्टर बना है, नकली दवाइयाँ बेचता है, नकली इंजेक्शन बेचता है, नकली टॉनिक बेचता है, नकली दवाइयाँ बेचकर किडनी बेचकर इतने पैसे कमाए तूने पेशेंट को बेहोश करके उनकी किडनी फॉरेन में बेचता है। अरे ओ, तू अपने गिरेबान में देख, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो अपनों का खून करके लूटता है, लोगों को धोखा देता है। धोखाधड़ी करके राजनीति में आने वाला तू जैसा धोखेबाज, छी। अरे तू एक हत्यारा है, तूने कई खून किए हैं, मेरे बारे में कमेंट करने वाला तू होता कौन है? आ, मैं खून करके यहाँ तक आया, अगर कोई मेरे साथ पंगा ले तो मैं उसे एक्सीडेंट करवा के मरवा देता हूँ। तेरे जैसे डेड बॉडी से व्यापार नहीं करता मैं, तू तो पेशेंट की किडनी आंखें सब बेच डालते हो, और इन सब चीजों की रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे पास। आई थिंक किडनी प्रॉब्लम। सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इनके अपने एक बाली बयान से और इंस्पेक्टर प्रकाश की इन्वेस्टिगेशन की वजह से एमपी प्रदीप और डॉक्टर राजेंद्र ने अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। आज तक उन्होंने जो गुनाह किए हैं वो बहुत ही संगीन है, इसलिए ये अदालत उन गुनाहगारों को आईपीसी दफा 302 के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाती है। थैंक यू, विश यू हैप्पी मैरिज। ओह, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? अगर किस्मत अच्छी होती तो इसकी जगह मैं होता। इतना सीन नहीं है, जानती नहीं वो एमपी का बेटा है क्या? हाँ? इसमें शौक होने की क्या बात है? ये बात सुनकर मैं शौक हो जाता हूँ, शौक हो जाता हूँ। अरे आए हो तो खाना खाकर जाना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमारा न्योता आया है, तुम अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना, अब हम तुमको नहीं दिखेंगे, सुखी रहो। ठीक है। क्या चक्कर? कमाल है ना, सौवीं शादी हम में से एक की हो रही है।